ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और कुछ देर वेट करेंगे स्टूडेंट्स का, जब तक स्टूडेंट्स नहीं आते तो हम लोग कुछ देर वेट कर लेते हैं ताकि जब स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएं तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज रऊफ अहमद, योर iOS इंस्ट्रक्टर। एंड Today's session, we are talking about iOS development queries of students, and hope you guys are doing well. और मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट्स यहाँ था आ गए हैं, अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन कंसर्न है कि इस सेशन का पर्पज़ क्या है। इस सेशन का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को iOS development के कोर्स के अंदर कोई क्यूरीज आ रहे हैं या आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं, हम लोग इस सेशन के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों की क्यूरीज को, जितने भी आप लोगों के इशूज आ रहे हैं, उनको सोल्व करेंगे। और एट द एंड आप लोगों को एक मेरी तरफ से जो मैंने एक टिप होगी आप लोगों को, जो कि आपके डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल रहेगी, मैं आप लोगों के साथ वो एक टिप भी शेयर करूंगा। आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाऊंगा जिसको जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी थ्रू आउट द डेवलपमेंट। और आप लोग उसको, चाहे आप वेब डेवलपर हैं, चाहे आप ऐप डेवलपर हैं, चाहे आप किसी भी डेवलपमेंट फील्ड से हैं, आप लोगों का डिज़ाइनिंग से कंसर्न तो होता ही है, तो डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि डिवेलपर का डिज़ाइनिंग के साथ कोई इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता, क्योंकि डेवलपर का काम होता है कोड लिखना, तो उसको डिज़ाइनिंग की तरफ जो ध्यान है वो उसका काम होता है। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग हेल्पफुल चीज़ें या आप लोगों को शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। तो मुझे एक वेबसाइट में रिसेंटली एक मिली है जो कि ग्रेडियंट्स के रिलेटेड है। आप लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर जैसे बैकग्राउंड्स लगाते हैं या बटन्स लगाते हैं, उनके लिए हम लोग ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स को यूज़ करते हैं। तो उन ग्रेडियंट, कुछ बच्चों को उन ग्रेडियंट्स का समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का ग्रेडियंट यूज़ करें, कलर ब्लैक को वाइट के साथ मर्च करें या ग्रीन को येलो के साथ मर्च करें, तो ग्रेडियंट किस तरह से वो बनाएं, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को एंड पे बताऊंगा। तो अभी आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज हैं आप लोग मुझसे आंस करें चैट बॉक्स के अंदर, ताकि हम लोग इस सेशन को सक्सेसफुली कम्प्लीट करें और आप लोगों का जो इस सेशन का पर्पज़ है वो कम्प्लीट हो, आप लोगों को भी हेल्प हो और हम लोगों को भी पता चले कि हमारे कोर्स की क्वालिटी क्या है और आप लोगों को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, हम लोग उन इश्यूज को इम्प्रूव करेंगे और आप लोगों को एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों में से जिसका भी कोई क्वेश्चन है काइंडली वो मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करें और आप लोगों की क्यूरीज का आंसर करें। ओके स्टूडेंट्स, आप अभी तक किसी की मुझे कोई क्यूरी नहीं आई, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इस सेशन का मकसद ही है कि आप लोगों का क्यूरीज का आंसर किया जाए। तो आप लोग काइंडली कोई क्यूरी वगैरह अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो काइंडली आंसर करें। ओके, साद खान का एक क्वेश्चन आया कि सर असाइनमेंट जो सबमिट करवाई है इसका रिजल्ट कब तक आएगा। असाइनमेंट्स सबमिशन आप लोगों की कम्प्लीट हो गया, डेट आ गई है, हम लोग असाइनमेंट्स को अलाइन कर रहे हैं, उसकी चेकिंग होगी और चेकिंग के बाद आप लोगों को LMS के ऊपर जो एक नोटिफिकेशन मिलेगी कि आप लोगों की असाइनमेंट चेक हो गई है। तो आप लोगों को LMS के ऊपर जो न्यूज़ लेटर है उसमें एक अलर्ट मिल जाएगा, आप लोगों अभी आप लोगों की असाइनमेंट्स चेक होंगी तो फिर आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का, असाइनमेंट किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, LMS के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर प्रॉब्लम है या क्विज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। आप लोग, हम लोगों को भी पता चलेगा कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो किस हद तक आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं, और अगर हमारी तरफ से कोई कमी रहती होगी तो हम लोग इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव करेंगे और आप लोग को
एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अपना फीडबैक भी लाजमी दें कि आप लोगों को कोर्स की किस हद तक समझ आ रही है, इंस्ट्रक्टर कैसे हैं आपके, और हर एक चीज़ जो भी आप लोगों को लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। चले हम लोग कुछ देर, आप लोग इस फील्ड के अंदर हैं, आप लोगों को अपनी फील्ड की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, तो हम लोग iOS की इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं कि iOS डेवलपमेंट में iOS डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो हम आ जाते हैं अपने फोन पे, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ iOS डेवलपमेंट के रिलेटेड, आप लोगों ने भी सर्च किया होगा। ठीक है जी, iOS डेवलपमेंट है क्या, iOS क्या है इसके बारे में, बट स्टिल मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि आप लोग अपनी ऐप फील्ड के इस फील्ड के अंदर है, तो आप लोग अपने फील्ड के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, iOS डेवलपमेंट फर्ज करें आप लोगों से भी क्वेश्चन कर लेता है कि जी आप लोग iOS डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो iOS डेवलपमेंट फर्ज करें जी iOS डेवलपर की सैलरी हम देख लेते हैं पाकिस्तान कितनी है। एवरेज एंड अर्ली कैरियर iOS 12 पर 1 to 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन एवरेज टोटल ऑफ 6 लाख रुपये। मतलब आप लोग iOS डेवलपमेंट करके 6 लाख तक अर्निंग कर सकते हैं 1 to 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक साल तक आप लोगों को एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बिगनर की भी बात करें कि एक iOS डेवलपर अपनी बिगनिंग सैलरी अगर वो 4 साल बाद 6 लाख कमा रहा है, तो बिगनिंग उसने कम से कम 40-50 हज़ार तो स्टार्ट की होगी। तो ये एक iOS डेवलपर की एवरेज सैलरी है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम इसको इंटरनेशनली देख लेते हैं कि अगर आप लोग इंटरनेशनली किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ रिमोट जॉब करते हैं, कनाडा में देख लेते हैं, तो iOS डेवलपर का जो वैसे पर आवर रेट आ रहा है वो $48 तकरीबन $49 समझ, $49 पर आवर आ रहा है। अगर वो दिन में 2 घंटे काम करता है तो पर ईयर उसकी एवरेज सैलरी आ रही है $95,000। तो इस अमाउंट से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग की वर्थ कितनी है, आप लोग अपनी इस कैरियर से कितना अर्न कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हर बंदे का पर्पस यही होता है कि वो अर्निंग करे। आप लोग ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, iOS डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो आप लोगों का बेसिक पर्पस भी यही होगा कि आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं। तो अर्निंग आप लोगों के पास स्किल आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने बेसिक चीज़ें सीखनी है, बेसिक चीज़ें सीखने के बाद जो कि आप लोगों को आपके थ्रू आउट द कोर्स सिखाई जाएंगी, उन कोर्सेज को उस कोर्स को फॉलो अप करें, आप उसको सीखें, उसके ऊपर रिसर्च करें, उससे कुछ बिल्ड करें। ठीक है, अपनी एक डेडिकेशन से काम करें। ठीक है, तो आप लोग इस अमाउंट तक अर्न कर सकते हैं सिर्फ अपनी iOS डेवलपमेंट से। अब iOS डेवलपमेंट का स्कोप बताएं कि iOS डेवलपमेंट अगर आप जो जॉब नहीं करते हैं तो जॉब की बात होगी। अगर आप एक iOS ऐप डेवलप करके ऐप स्टोर के ऊपर पब्लिश करते हैं, ठीक है, तो फिर आप कितना अर्न करते हैं? ये तो अभी आप एक एप्लीकेशन बिल्ड करने पे किसी कंपनी के लिए काम करने पे इतना अर्न कर रहे हैं। तो iOS डिवाइसेस $1.8 billion एक्टिव डिवाइसेस हैं iOS की इस वक्त पूरी दुनिया में। 1.5 या 1.8 बिलियन समझ लें, 1.8 बिलियन एक्टिव डिवाइसेस।
1.8 बिलियन की मार्केट है आपके पास, आप लोग अपनी iOS ऐप से कितनी मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, 1.8 बिलियन। 1.8 बिलियन में से अगर आप लोगों की ऐप को 1 लाख यूज़र भी होता है, या आप लोगों का 2 लाख यूज़र होता है, या 10 लाख तक चला जाता है, 1 मिलियन तक चला जाता है, तो आप लोग पर डाउनलोड और पर ऐड के क्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। आप लोग अपनी iOS ऐप के अंदर गूगल एड्स लगाते हैं, आप लोगों ने गूगल एड्स को इंटीग्रेट किया हुआ है कभी उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर? गूगल एड्स आप लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर एड्स लगा के उसको पब्लिश करो, और iOS के अंदर एंड्रॉयड की निस्बत जो होता है वो ज़्यादा आपको अर्निंग होती है एड्स के ऊपर। iOS के अंदर ज़्यादातर एड्स होते नहीं हैं, लेकिन अगर आप एड्स लगाते हैं उसके अंदर, तो iOS के अंदर जो एड्स होती हैं, एप्पल की एड्स होती हैं, वो पर एड के ऊपर एंड्रॉयड का 2-3 गुना होता है। फर्ज कर लें कि अगर एंड्रॉयड के ऊपर आपको पर एड के क्लिक के ऊपर 1 रुपया मिल रहा है, तो इसके अंदर डॉलर्स के अंदर मिलते हैं, मतलब पर एक ऐड के ऊपर $1 मिल रहा है आपको, तो एप्पल के अंदर पर ऐड के ऊपर क्लिक के ऊपर $2-3 मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्कोप हो गया। तो आप लोग अगर आप खुद की ऐप पब्लिश करते हैं तो उसमें भी आप लोग लाखों यूज़र बैठे हुए हैं। आप लोग अगर कुछ डाउनलोड्स भी होते हैं आपकी ऐप के ऊपर, अब अपनी ऐप को पब्लिश करें, उसको कस्टमाइज करें, तो आपकी ऐप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं आप लोग। सैलरी भी आप लोगों ने देख ली कि आप लोगों की सैलरी कितनी है। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर कह रहा हूँ, iOS डेवलपर जो है वो कितना अर्न कर रहे हैं, इसके अलावा iOS की मार्केट क्या है, यूजर्स कितने हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने कोर्स के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप लोग अपनी फील्ड के ऊपर आप लोगों को ग्रिप नहीं होगी। फिर iOS के ऊपर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं इसके ऊपर सर्च करें आप लोग, iOS लैंग्वेजेस। स्विफ्ट के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये सी शार्प के ऊपर भी हो जाती है, C# के अंदर भी iOS डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग iOS डेवलपमेंट के अंदर है स्विफ्ट की, और स्विफ्ट आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, स्विफ्ट आप किस तरह से सीखते हैं, आप लोग स्विफ्ट को सीखें और ठीक है, आप लोग सैलरी पैकेज आप लोगों ने देख लिया, तो आप लोगों के पास एक डेडिकेशन आ जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह से वर्क करना है। ठीक है, मज़ीद ये कि आप लोगों को अगर कोई क्यूरी आ रही है तो काइंडली आस्क कर लें। इसके अलावा आप लोगों को कोर्स के अंदर कोई इशू आता है तो हम लोग आपकी सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं, आप लोगों को सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, आप लोगों को जो भी इशूज़ आएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे वो, और असाइनमेंट्स और जो क्विज हैं उनको अटैम्प्ट करें, और इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस जो है आप लोगों ने करते रहना, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ कोर्स आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने सिर्फ एक कोर्स किया होगा, कोर्स में भी आप लोगों को कंसेप्ट नहीं आएंगे, तो आप लोगों को एक गाइडलाइन दे दी गई है, गाइडलाइन के बाद आप लोगों ने अपना एक वो भी सर्च करना है कि आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं आप लोग स्विफ्ट लैंग्वेज सीखने के लिए, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विफ्ट लैंग्वेज के यहाँ पे डिफरेंट ट्यूटोरियल आ जाएंगे, आप लोग इनको फॉलो अप कर सकते हैं अपने बेसिक प्रोग्रामिंग पे स्किल्स को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे ऑनलाइन आप लोगों को डिफरेंट कंपाइलर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी जिसके ऊपर आप स्विफ्ट के छोटे छोटे कोड जैसे एडिशन कैसे करते हैं, लूप्स कैसे लगाते हैं, और डिफरेंट आप लोगों को प्रोग्रामिंग स्किल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आप लोग बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे।
आपका जो प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा वो भी हो जाएगा। इसके अलावा यूआई डिजाइन के लिए मैंने आप लोगों को अपलैब्स बताया था, यूआई डिजाइन के लिए मैंने आप लोगों को अपलैब्स सजेस्ट किया था कि वहां पे आप लोग अपलैब्स के ऊपर से यूआई डिजाइन को ले सकते हैं कि आप लोगों ने इंटरफेस किस तरह का डिजाइन करना है। मोहम्मद जिशान का क्वेश्चन है, सर हाउ मेनी असाइनमेंट्स आर इंक्लूडेड एंड व्हाट इफ असाइनमेंट इज मिस्ड। असाइनमेंट आप लोगों को स्ट्रिक्टली अच्छा मोहम्मद जिशान के क्वेश्चन पे थे हम लोग, सर हाउ मेनी असाइनमेंट्स आर इंक्लूडेड एंड व्हाट इफ असाइनमेंट इज। असाइनमेंट आप लोगों की एक ही है, आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलती है, उस असाइनमेंट को आप लोगों ने परफॉर्म करना है। और आप लोगों ने जो आप लोगों का स्विफ्ट का कोड है वो आप लोगों ने एक्स कोड पर नहीं बल्कि विजुअल स्टूडियो पर लिखना है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो पर जाके विजुअल स्टूडियो पर आप लोगों ने एक्स कोड की जो एक्सटेंशन होती है या उसका जो प्लगइन होता है वो इंस्टॉल कर लेना है, उसकी एक्सटेंशन ऐड करके, तो विजुअल स्टूडियो के अंदर आप लोगों ने स्क्रिप्ट का कोड लिख के उसको परफॉर्म करके, तो वो जो आप लोगों का एक प्रोसीजर है सबमिट करवाने का कि आप लोगों ने उस कोड को फिर आप लोगों ने जिप फाइल बनानी है, जिप फाइल बनाने के बाद आप लोगों ने उसको ड्राइव के अंदर अपलोड करना है और उसका लिंक जो है वो एक वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट करना है, अपनी डिटेल्स एंटर करनी है और वो जो वर्ड की फाइल है आपने असाइनमेंट पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देनी है, ठीक है। और अगर किसी की असाइनमेंट मिस हो जाती है, फर्स्ट थिंग तो ये कि आप लोगों की असाइनमेंट मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को पूरे एक वीक का टाइम दिया जाता है असाइनमेंट सबमिशन के लिए, तो आप लोगों को पहले बात तो ये कि आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है टाइम। अगर फिर भी किसी की मिस हो जाती है तो वो हमारी जो ईमेल है उसके ऊपर सेंड कर सकता है, तो ईमेल के थ्रू भी आप लोगों की असाइनमेंट हम तक हो जाएगी। बट ये है कि उसके अंदर फिर मार्क्स डिडक्ट होंगे और लेट असाइनमेंट कंसिडर की जाएगी, तो आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप लोग टाइमली LMS के ऊपर अपडेट करें असाइनमेंट, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में दे रहे हैं। तब तक मैं आप लोगों को अपलैब्स के बारे में बता रहा है कि आप लोग अपलैब्स के ऊपर से UI जो है वो अपलैब्स के थ्रू आप लोग डिफरेंट जो है सर विजुअल कोड में टेक्स्ट कोड में हम नहीं। साद खान आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं, दोबारा काट लिया अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा अपलैब्स के ऊपर अब आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पे यूजर इंटरफेस आ गए हैं, अपलैब्स के ऊपर बात कर रहे थे कि अपलैब्स से आप लोगों ने यूजर इंटरफेस ले लेना है और जो इसके आप लोग अच्छे थे इसमें खाली ये भी है कि आप लोग iOS एप्लीकेशन के खाली यूजर इंटरफेस बना के भी उनको भी सेल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पीछे बैकएंड पे प्रोग्रामिंग लगी हो। कुछ लोग जो अट्रैक्टिव UI डिजाइन होते हैं एप्लीकेशन के उतने कोड को भी बाय करते हैं और उसमें बाद में कस्टमाइजेशन करके उसको अपग्रेड करते हैं, तो आप लोग खाली अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से लेआउट्स बना के उनको भी सेल कर सकते हैं। और उसके लिए सेल करने के लिए आप लोग किसके ऊपर लगा सकते हैं, कोड कैनन वेबसाइट है,
ये इन्वेंटो मार्केट है, इसके ऊपर आप लोग अपलोड करके उसकी प्राइस सेट करके यहाँ पर डिफरेंट आप लोग एप्लीकेशन उनको सेल कर सकते हैं। अच्छा, 7-8 साल स्विफ्ट का कोड भी है, लिखें एक्सपोर्ट आप लिखें। अच्छा साद खान, ये बस आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस है कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर भी स्विफ्ट का कोड कर सकते हैं। आप लोगों की ये असाइनमेंट का पार्ट है कि आप लोगों ने, वैसे तो आप लोग एक्स कोड के ऊपर ही करेंगे, स्विफ्ट का कोड सारा एक्स कोड के ऊपर ही करेंगे क्योंकि iOS डेवलपमेंट करें। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों की जो असाइनमेंट है उसके अंदर मैंने ये टास्क रखा था कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर भी उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करके उसको लिखें, तो ये आपकी एक बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर भी वो सारा काम कर सकते हैं जो आप लोग एक्सपोर्ट के ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए ये आप लोगों को टास्क है कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर करें। अच्छा, यहाँ पे इन्वेंटो मार्केट के अंदर आप लोग अपनी ऐप को जो है वो पब्लिश भी करते हैं, उसको सेल भी करते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि आप लोग कहाँ पे इसको सर्च करना। इसके अलावा आज का जो टिप है, आप ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को पहले बताई है, आज का ये टिप है कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड डिज़ाइन करते हैं ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट के लिए मैंने एक वेबसाइट है ग्रेडियंट हंट। ग्रेडियंट हंट के ऊपर आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत से अट्रैक्टिव ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। अब ये सारे ग्रेडियंट्स आप लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर अगर यूज़ करें बटन्स के बैकग्राउंड के तौर पर या एप्लीकेशन के बैकग्राउंड के तौर पर, तो आपकी एप्लीकेशन को एक बेटर लुक प्रोवाइड होगी और अट्रैक्टिव लुक आ जाएगी उसके ऊपर। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग ग्रेडियंट, जहाँ से आप लोग इसका कलर कोड कॉपी कर सकते हैं या इसकी जहाँ पे कलर पिकर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करके, तो इसका कलर पिक करके आप लोग एक अच्छा ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को एक आप लोगों का टिप भी, जो आज का टिप था वो ये था कि ग्रेडियंट हंट वेबसाइट के थ्रू आप लोग ग्रेडियंट्स को गेट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को थोड़ी सी इसकी अवेयरनेस देनी थी कि आप लोगों की फील्ड की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस फील्ड के अंदर आप लोग अगर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं, और iOS डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। बाकी अगर किसी को भी क्यूरी है तो वो पूछ ले, बाकी मैंने जो आप लोगों को बताना था मेरी तरफ से वी आर गुड टू गो। तो बाकी आप लोग कोर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, असाइनमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, असाइनमेंट की समझ नहीं आ रही, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग कमेंट में मुझे बता, 2 मिनट में वेट करूंगा, आप लोगों का क्वेश्चन है तो फिर पास कर लें, उसके बाद फिर मैं सेशन को एंड करने लगूँगा। मोहम्मद जीशान, VS कोड विंडोज में iOS का कोड जी, बिल्कुल iOS का कोड नहीं बल्कि स्विफ्ट का कोड है। iOS तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, स्विफ्ट के अंदर लिखा गया, तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो स्विफ्ट को सपोर्ट करता है। आप लोग स्विफ्ट की एक्सटेंशन उसके अंदर इंस्टॉल करके उसका प्लगइन ऐड करके तो स्विफ्ट की कोडिंग VS कोड के अंदर आप लोग कर सकते हैं।
और किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आप लोग अपने क्वेश्चंस कर लें। साद खान का क्वेश्चन आया है कि सर PFT की जो इंटर्नशिप देती है वो सिर्फ लाहौर के लिए होती है सर, मैं कराची से। आप हमारे साथ वर्चुअल इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, आप हमारे साथ जो है वो वर्चुअल कर सकते हैं। अगर आप लोग लाहौर आ सकते हैं, मतलब अगर आप लोग करना चाहते हैं इंटर्नशिप और लाहौर आगे करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप लोग आ सकते हैं, बट आप लोग वर्चुअली बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। पूरे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स सबके लिए ऑफर है, आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप लोग अगर इंटर्नशिप अवेल करते हैं तो आप वर्चुअली भी कर सकते हैं हमारे साथ। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों से मैं कोर्स का फीडबैक जरूर लेना चाहूंगा कि आप लोगों का फीडबैक क्या है इस सेशन के बारे में और इस कोर्स के बारे में, आप लोगों का क्या जो रिव्यू है या आप लोगों का फीडबैक क्या है, इस सेशन का कोई फायदा हुआ आपको या आप लोगों ने कुछ सीखा इसके अंदर, और कोर्स का क्या फीडबैक है आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दें कि आप लोगों का फीडबैक क्या है कोर्स के रिगार्डिंग और इस सेशन के रिगार्डिंग। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्योंकि फीडबैक देंगे तो हम लोग को पता लगेगा कि हमारा जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं आप लोगों को चीज़ें वो बिल्कुल ठीक जा रही हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना फीडबैक दे दें, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं ताकि फिर नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट हो सके। ओके देन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं ये जो सेशन है वो एंड करने लगा हूँ। और आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और अपने कैरियर के अंदर आप लोग कोशिश करें और मेहनत करें तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।